टीआरएस कॉलेज में सुरक्षा इंतजाम के तमाम दावे हवा हवाई, पुलिस चौकी की बात हवा में, मेटल डिटेक्टर मशीन भी गायब। देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालयों में से एक रीवा के टीआरएस कॉलेज में, जहां पर छात्रों की संख्या सर्वाधिक है, पिछले कुछ दिनों से तमाम तरह के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हम आपको बता दें, प्रदेश के सर्वाधिक छात्रों वाला महाविद्यालय प्रचार की कुर्सी की लड़ाई को लेकर हमेशा चर्चित बना रहता था। शासन इसे प्रभारी प्रचार देने में ज़्यादा विश्वास करता है। शायद पूर्णकालिक प्रचार इसी बेहतर तरीके से ना संभाल पाए, जिम्मेदार ऐसा सोचते रहे होंगे। चलिए, पूर्णकालिक प्रचार कॉलेज को नसीब हुआ तो कॉलेज में गोलीकांड हो गया, एक छात्र की मौत हो गई, पूरे शहर में हंगामा मच गया, छात्रों में गुस्से का उबाल आना स्वाभाविक था। पुलिस प्रशासन व कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के गुस्से का हल खोजा मेटल डिटेक्टर मशीन व पुलिस चौकी के रूप में। शायद प्रशासन जानता था, या यूं कहें उसके कहावत पता थी, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। छात्रों का गुस्सा खत्म, प्रशासन के दावे खत्म, मेटल डिटेक्टर मशीन का काम खत्म। पुलिस ने सोचा मेटल डिटेक्टर मशीन का कॉलेज में क्या काम, सो उसने उसे उठवा लिया। चलिए कोई बात नहीं, हम भी यही सोचते हैं। छात्रों की मांग थी कॉलेज में पुलिस चौकी खोली जाए, वक्त के साथ यह बात भी हवा हो गई। रहा कॉलेज में छात्रों के ड्रेस कोड का मामला, तो हम आपको बता दें, कॉलेज में अस्थाई प्रचार की कुर्सी के झगड़े के चलते छात्रों की ड्रेस क्यों ज़रूरी होगी? कैसे भी आओ कैसे भी जाओ, किसी को क्या पड़ी है? जब कभी अगली घटना होगी तो देखा जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो अंदर किसने आने दिया? वहाँ के गार्ड लोग ने। वहाँ पुलिस नहीं लगी है? नहीं, कुछ नहीं लगा था। मेटल मशीन जो लगी थी? सब जा चुका है।